विधानसभा चुनाव में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें गंवा चुकी कांग्रेस ने दोनों राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों को नया काम दे दिया है। दरअसल कांग्रेस ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले एक कमेटी बना दी। ये कमेटी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गठबंधन के मामलों को लेकर बनाई गई है। इसका नाम नेशनल अलायंस कमेटी रखा गया है। इसमें राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हैं। इसके अलावा सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश भी इसके मेंबर होंगे। इस अलायंस समिति का समन्वयक मुकुल वासनिक को बनाया गया है। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों गहलोत और भूपेश बघेल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। हालांकि एग्जिट पोल में इन दोनों नेताओं के कामकाज के तरीकों को जनता पसंद करती नजर आई थी, लेकिन जब असल परिणाम आए तो कांग्रेस शासित ये राज्य भाजपा के पास चले गए। ऐसे में अब इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को गठबंधन के मामलों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल की गिनती कांग्रेस के जुगाड़ू और तेज तर्रार नेताओं में होती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के चलते अलायंस के मामले देखने का बेहद अहम काम इनके जिम्मे सौंपा गया है। गौरतलब है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को टक्कर देने देश भर में मिलकर चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये कहना भर आसान है क्योंकि अलग अलग राज्यों में गठबंधन की सीटों का बंटवारा किस तरह होगा, कौन कहां मजबूत है, किसके लिए कितनी सीटें छोड़ी जाएं, ये सब तय करना भी एक चैलेंज है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने यहां गठबंधन के इन मामलों को देखने के लिए ये कमेटी बना ली। इंडिया अलायंस का हिस्सा अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि क्षेत्रीय दल जहां मजबूत हैं वहां उन्हें ही फैसला लेने दिया जाए। ऐसे में ये देखना होगा कि अब बंगाल, यूपी और बिहार में क्या फैसला होता है और इस मामले में कांग्रेस किस हद तक सेक्रीफाइस करती है। कांग्रेस चाहती है कि यूपी में उसे कम से कम 20 सीटें मिल जाएं, लेकिन अखिलेश दहाई के आंकड़े में भी सीटें देने के मूड में नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बघेल और गहलोत की मेंबरशिप वाली ये कमेटी कांग्रेस के लिए कितनी मददगार साबित होती है।